बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था क्योंकि आज हमने देखा कि तालिबान चाइना की खसूसी दावत पे चाइना गए, जहां पे उनकी मुलाकात चाइनीज हाई ऑफिशियल से हुई, उनको वेलकम किया चाइनीज फॉरन मिनिस्टर ने। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ग्रेट गेम इस वक्त चल रही है क्या वो इम्पैक्ट होगा, हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आज उनकी भी काफी मुलाकातें हुई, मोदी के साथ मुलाकात हुई। लेकिन सबसे अहम मुलाकात जो है वो तिब्बत के दलाई लामा के स्पेशल नुमाइंदे से हुई, जो खास तौर पे इसको लिया जा सकता है चाइना को इंस्टिगेट करने के लिए और चाइना के खिलाफ ये मीटिंग थी। क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत के अंदर अमेरिका और इंडिया दोनों ही जो है फसाद फैलाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फैलाएंगे क्या, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन चाइनीज ने बड़े हद तक इसे कंट्रोल किया। इसके अलावा आज हमने देखा कि अशरफ गनी की तरफ से भी मुज़ाकरात का काफी अरसे के बाद जो है वो जो है ख्वाहिश का इजहार किया गया, क्या ये तालिबान और चाइनीज के दरमियान मीटिंग की वजह से था या खुद अशरफ गनी को अब अवाम की फिक्र शुरू हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के DGISI और पाकिस्तान के जो NSA हैं वो अमेरिका जा रहे हैं चाइना के बाद, अमेरिका का दौरा क्या इसकी वजूहात हैं और क्या इससे एक्सपेक्टेड है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और जो आज की बहुत अहम खबर है वो ये है कि दासू जो चाइनीज के ऊपर जो हमला किया और जो जोहर टाउन में जो यहाँ पे दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, उन दोनों का लिंक जो है वो पकड़ा जा चुका है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस चीज को पकड़ लिया है कि इन दोनों के दरमियान क्या लिंक था। दो लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं और कौन इन दोनों दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे था। तो मैं आगे तमहीद और बांधे बगैर सीधा जाऊंगा अयाज की तरफ। अयाज, ये बताएं यार, ये जो चाइनीज की मीटिंग हुई है तालिबान के साथ, तो इससे क्या पैगाम गया है और आप इस मीटिंग को किस कदर अहम देख रहे हैं? शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू सो मच। आपको पता है, जैसा आपने बताया है कि इस वक्त बहुत ही हैक्टिक डिप्लोमेसी है और फॉरेन पॉलिसीज जो है वो तमाम मुल्कों की, खासतौर पे अफगानिस्तान को लेके उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो सारी डिप्लोमेट्स जो हैं वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं। आपने तालिबान का चाइना के हवाले से बात की, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि कहीं वहाँ से जो है वो वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो चाइना में ना आए, और इस चीज़ को इंश्योर करना चाह रहा है। इस वक्त चाइना को पता है कि सबसे जो ताकतवर इस वहाँ पे जो पावरफुल जो धड़ा है या फिर जो ताकत इस वक्त है वो तालिबान ही है अमेरिकन विड्रॉल के बाद। तो अब यहाँ से उनका वहाँ पे जाना, और वहाँ पे उन्होंने भी इस चीज़ की बात की है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे पीस हो। देखिए, अफगानिस्तान के पीस के लिए ईरान भी चाहता है वहाँ पे पीस हो, पाकिस्तान भी चाहता है, उसके अलावा रशिया भी चाहता है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी चाहती हैं। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, चाइना का दो कंसर्न है। एक तो ये है कि वहाँ पे पीस हो और वो तालिबान इसके लिए अगर एग्री होते हैं तो वो जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं तो उनको वो कंट्रोल करने में एक अहम रोल होगा उनका। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहाँ तक हर मुल्क चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि वहाँ तक एक्सेस हो। चाइना भी अपना जो इसका बेल्ट एंड रोड का मंसूबा है वो इनकम्प्लीट है अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आता। तो इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जिस तरह आपने कहा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में आए हुए हैं। अब इंडिया के जो मफादात अफगानिस्तान के अंदर हैं वो किस बुरी तरह से मुतासर हो, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान जा रहा है तो ये हैक्टिक डिप्लोमेटिक जो आपको नज़र आ रही है मूवमेंट वो जरूरी है। उसकी वजह यह है कि कोई भी फरीक जो है वो गैप नहीं छोड़ना चाह रहा। यही वो वक्त है कि सब अपनी अपनी जो है ना एफर्ट्स करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो इस सिचुएशन को जो है ना वो विन विन सिचुएशन में डेवलप करें। असल कहानी ये है जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा कुर्बान, आपकी तरफ मैं आऊंगा। नहीं, आज जो है बहुत बड़ी खबर है जो दासू धमाका और जो जोहर टाउन धमाके का लिंक पकड़ा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी अजीब बात हुई कि TTP के सरबरा का इंटरव्यू जो है CNN ने जो है वो नशर कर दिया, हालांकि अमेरिकन्स भी इसको जो है वो दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं।
बल्कि अमेरिकन तो दावा करते हैं कि बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद और मुल्ला फजलुल्ला तीनों जो को अमेरिकन ने ही मारा। तो एक तरफ अमेरिकन कहते हैं नो निगोशिएशन विद टेररिस्ट, और दूसरी तरफ एक बड़े टेररिस्ट को जो है वो स्क्रीन पे ले आते हैं और उसके बाद उसके क्लिप्स जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो आप ये तमाम मामले को क्या देख रहे हो? आई अंडरस्टैंड कि ग्रेट गेम का तो आगाज हो चुका है, लेकिन क्या आप इस तमाम चीज को दासू धमाका और फजलुल्ला ये इसका जो है टीटीपी के अमीर का आना, आप इसको कैसे देख रहे हो? एक चीज तो वाजे है कि किस तरीके से इस ग्रेट गेम के अंदर पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से जो है पाकिस्तान को किस तरीके से जो है फंसाया जा रहा है। और जो ये चीजें रिवील हुई हैं जौहर टाउन धमाके से और दासू बम धमाके से, उसमें तो साफ जाहिर है कि किस इन्वॉल्वमेंट इंडिया की है। और फिर ब्लिंकन जिस वक्त यहाँ पे आते हैं वो आके मेन चीजें तो बाकी सारी डिस्कस उन्होंने की होंगी, लेकिन जो क्वाड सिक्योरिटी उनकी इशू है, ग्रुप है, उसके हवाले से उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन की है। उनका कंसर्न जाहिर है चाइना है, और चाइना जो है जाहिर है पाकिस्तान से सीपैक और ये सारी चीजें डेवलपमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद चाइना मेनली वहां पे इंटरवीन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो पावर कॉरिडोर का हेजमोन का स्पेस है उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो सारे तरीके से वो थ्रू पाकिस्तान करेंगे, और वो उनकी कोशिश है इंडिया और अमेरिका की किसी तरीके से पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा सके। टीटीपी का इंटरव्यू सीएनएन अगर करता है, ये उसी तरीके से है जिस तरह जिस वक्त तालिबान के सामने स्टार्ट हुई थी, तो एक वे आउट में अच्छे आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, उनकी डिप्लोमेसी वगैरह के बारे में लिखना शुरू कर दिया, उनको इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। अब अगर तालिबान के लिए वो कर टीवी के लिए वो करने शुरू कर दिए, तो इसका भी इस मतलब साफ जाहिर है कि वो वेस्टर्न मीडिया के जरिए, वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए उनको सामने लेकर आने शुरू कर दिया। उसके बाद वो उसकी पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वुहान स्ट्रिप है जो पाकिस्तान और रशिया से, रशियन स्टेट जो ताजिकिस्तान है उससे 20 किलोमीटर का उसका जो डिस्टेंस है, इसी तरह वो वही वुहान स्ट्रिप जो है चाइना को भी जाके टच करती है। वो वाहिद बॉर्डर है 20 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ, वही मेन कंसर्न है जो चाइनीज का है कि ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान जो ग्रुप है वो वहां से इंसर्जेंसी के लिए वहां पे ना आ जाए शिनजियांग प्रोविंस में। ये सारे जो इंसर्जेंसी के एस्पेक्ट्स हैं इसको हम खत्म नहीं कर सकते अमेरिकन विड्रॉल के बाद, ये यहाँ पे रहेंगे। और ये प्रॉक्सी वॉर्स जो हम समझते हैं कि शायद आज की दुनिया में ख़त्म हो गई हैं या इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो अभी भी उसी जाविये से चलती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉक्सीज को कुछ अर्से के लिए स्लीपर सेल्स में शायद उन्होंने डाल दिया था, अब दोबारा अमेरिकन जो है उनको किसी ना किसी तरीके से प्रोवोक करेंगे ताकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी जारी रहे। एक जो क्वाड ग्रुप बनाया अमेरिका ने, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका का, वो एक तरह से सिर्फ इन्वॉल्व करने के लिए कि हम पाकिस्तान को एक डायलॉग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। देखा जाए हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, अगर क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुक बहुत लो लेवल पे हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर हम अफगान गवर्नमेंट के साथ किसी प्रोसेस में शामिल होते हैं तो हमारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर उसको डिरेल कर देता है अमेरिका या इंडिया, तो फिर वो जाहिर है हमारी पूरी डिप्लोमेसी हम उसको कहेंगे कि अगर हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। सॉरी मैं आपको मेरे ख्याल में इंसर्जेंसी के इश्यूज हैं। मैं आपको यहाँ पे काटूंगा, क्वार्ट्स की जो आपने बात की, डोंट यू थिंक इट वाज अ ट्रैप? इट इज अ ट्रैप क्योंकि जब अमेरिका को एक फुट होल्ड मिल जाता है उज़्बेकिस्तान में, तो उसकी कोशिश होगी रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो बाकी स्टांस हैं और बाकी जो आपको यूरो एशिया पे शुरू हो जाता है वहां पे, ऑब्वियसली B3W बनाया इसलिए, ये प्रोजेक्ट कंसीव इसलिए किया गया है कि BRI के साथ चैलेंज को वो चैलेंज करे और BRI नाकाम हो। तो क्या इस तरीके से डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक हमें कैरेट दी गई है और अमेरिका भी जाता है कि ये आगे कुछ नहीं होगा ताकि इस कैरेट को हम पकड़ी रखें और वो इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि हमने एक जो बड़ी चेंज देखी है, अमेरिकन बॉम्बर्स ने पहली दफा
काफी अरसे के बाद पिछले हफ्ते जो है बॉम्बिंग किए तालिबान पोजीशंस के ऊपर, और अमेरिका खुल के सामने आ गया कि उसने गनी गवर्नमेंट जो है उसे सपोर्ट करना है। और आप जानते हैं कि इसी हफ्ते जो है इंडिया के दौरे पे चीफ भी आ रहा है जो इनका है अफगानों का, तो ये पाकिस्तान के साथ एक गेम करने की कोशिश की गई है, ये क्वाड का जो आइडिया दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक इसके ऊपर? यकीनन ऐसा ही है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक इंगेजमेंट के लिए और इंगेजमेंट की खातिर उसको बीच में हम रख रहे हैं पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान ये समझे कि हम अमेरिका के साथ और अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक इंगेजमेंट के अंदर हैं, एक जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड है उसके हवाले से उसको इंगेज करेंगे, हम उनको डिप्लोमेसी के हवाले से इंगेज करेंगे। लेकिन वो सिर्फ इंगेजमेंट की हद तक है, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमें क्यों शामिल, उस ग्रुप में हमें क्यों शामिल किया जा रहा है। वो भी उस दौरान जिस वक्त आईएसआई चीफ और फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे स्ट्रेटजिक डायलॉग्स के लिए चाइना में मौजूद हैं, इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर दासू धमाके की वजह से जो सीपैक की हाई लेवल टॉक्स जो थी वो भी 16 जुलाई को होनी थी वो मौखर हो गई थी, अब देखते हैं नेक्स्ट कब होनी है। लेकिन नेक्स्ट फेज जो सीपैक का आना है उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग अभी हुआ है चाइना में, अब उसमें देखते हैं चाइना के जो कंसर्न है अफगानिस्तान के हवाले से, जो इस्तान को उन्होंने शामिल, वैसे किर्गिस्तान के साथ चाइना डायरेक्ट लिंक होके अपना BRI प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर सकता है, उसमें पाकिस्तान की या अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन डाउन द साउथ जब अरेबियन सी की तरफ आते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत होती है, और पाकिस्तान में इंसर्जेंसी होती है, पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, तो फिर चाइना के लिए प्रॉब्लम होंगे। अच्छा मंसूर, आपकी तरफ मैं आऊंगा यार, आज आपको पता है एक तरफ तालिबान वफ्द मिल रहा था चाइनीज के साथ, तो दूसरी तरफ एंथनी ब्लिंकन जो है वो मिल रहा था दलाई लामा के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अच्छा, इसी मामले के अंदर एक हमारा पाकिस्तानी मीडिया, अफसोस के उसने एक चीज को ज्यादा उठाया नहीं, वो मिजोरम और जो आसाम की रियासतों के दरमियान जो झड़प हुई है, तो अगर तो आप क्या देखते हो इन तीनों चीजों को जहन में रखते हुए, आप क्या गेम देख रहे हो मंसूर? अच्छा अब अयाज आपकी तरफ मैं आऊंगा, माहौल तो बन रहा है, ऐसे में पहले हमारे डीजी ISI चाइना गए और अब चाइना से वापस आके वो गए हैं अमेरिका जा रहे हैं NSA के साथ, तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये है, क्या चाइना गए वहां पे, जाहिर बात है दासू डैम इंसिडेंट भी जो है वो डिस्कस हुआ होगा, अब अमेरिका जा रहे हैं, तो आप अमेरिका के इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? देखिए बिलाल साहब, जो मंसूर ने बात की है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है बेसिकली अगर आप देखें तो ये चाइना और अमेरिकन सेंट्रिक है। अफगानिस्तान जो है, आपको याद होगा कि G7 ने एक शोशा छोड़ा था कि वो BRI के मुकाबले में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं और बड़ा ये वो, तो वो मुझे तो लग रहा है वो सारा का सारा जो प्लान है ना वो अफगानिस्तान प्लान ही है, कि आपने किस तरह से अफगानिस्तान को आपने स्टेबल रखना है, अफगानिस्तान को एज ए बैरियर यूज करना है BRI के खिलाफ। तो ये वो इस गेम के ऊपर लगे हुए हैं, जिस तरह से वो इंडिया है या फिर अमेरिका है वो जो सारी कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो रिसेंटली जो साइबर क्राइम के नाम के ऊपर जो अभी तकरीर की है बाइडन ने, वो आप सुनिए कि वो उन्होंने क्या क्लियर एक मैसेज दिया है। तो असल में तो ये खित्ते में तो ये बदमनी रहेगी। पाकिस्तान इस वक्त ऑब्वियसली शुरू से ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रहा है। हमने तो पॉलिसीज जो हमारी रही है, मंसूर ने वो कहा है कि जी हम बिल्कुल जो थे वो रिएक्टिव ही रहे हैं, मजबूरी भी थी शुरू में जब हम थे, ना इतनी ताकत थी ना कुछ था, हम तो ये भी नहीं डिसाइड कर रहे पा रहे थे शुरू में वेदर हम साउथ एशियन स्टेट हैं, हम मिडल ईस्ट में आप आते हैं या फिर हम जो है वो सेंट्रल एशियन है। तो अगर आप सब की सब देखिए इनकी फॉरेन पॉलिसीज को देखिए, तो कभी हमारा झुकाव इस तरफ होता था, कभी इधर होता था, कभी उधर था, लेकिन अब कुछ क्लैरिटी हमें नजर आई है। अब ये क्लैरिटी को वाजे करने के लिए विजिट किए जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को एक चीज क्लियर करनी है, वो ये करनी है कि इंडिया एक स्पॉयलर है। आपको भी पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर डॉजियर्स हमने जमा कराए हुए हैं, किस तरह से ये अफगान सुनेगा कौन? देखो इन्होंने शोर मचाया चाइनीज वायरस,
जब अमेरिकन एक लैब की बात की तो उसी वक्त जो है उसका जो है फंडिंग जो है आपकी जो WHO की रोक दी गई। कौन सुनेगा यार, मीडिया उनके हाथ में है मेजॉरिटी। चाइना आराम से अपनी इकोनॉमिक तरक्की तो करता रहा, लेकिन उन चीजों पे उसने जोर नहीं दिया, प्रोपेगेंडा और बाकी चीजों के जो अमेरिकन ने दिया। तो कौन यार इसमें सुनता है, हर कोई। एट द एंड क्या होगा कि इराक तबाह हो जाएगा, और बाद में जब ये खुद बताएंगे कि कुछ भी नहीं वहां पे था, तो उस वक्त दुनिया हाय हाय करेगी और कुछ नहीं होगा। तो आप क्या बात कर रहे हो यार, कौन सा नहीं डोजियर, देखिए, कौन सी बात क्या चीज। देखिए, बात यह है बिलाल साहब कि आपने इंटरनेशनल दुनिया से हमने कट के तो रहना नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी जो है वो उस पे तो आपने लोगों को बताना ही है ना कि हो क्या रहा है। अब देखिए, आपको एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि अमेरिका के अजायम क्या है, इंडिया के अजायम क्या है। इस सूरत में आप घर में तो बैठ नहीं सकते ना कि आप बैठ जाए कि ठीक है जी, आप एक साइड लेके बैठ जाए। तो पाकिस्तान ने जो ये जियो इकोनॉमिक्स से जो अपनी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, तो उसमें कम से कम कल को ये बात तो होगी ना कि पाकिस्तान ने कोशिश की वो कि वो दोनों ताकतों के दरमियान एक रवा राबते की सूरत जो है वो इकोनॉमी को लेके आना चाह रहा था, और उसी को लेके वो चलना चाह रहा था। तो वो अभी तक वही कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान को एक अमेरिका भी उसको एक अपॉर्चुनिटी समझे, चाइना भी समझे। लेकिन अगेन एक चीज आप वाजे समझिए, देखिए अमेरिका किस तरह से ये चाहेगा कि उसकी सुपर पावर जो एक एक पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक जो वो है वो खत्म हो जाए। तो वो ऑब्वियसली पूरी कोशिश करेगा कि किस तरह से कंटेन किया जाए चाइना को। पाकिस्तान को ऑब्वियसली वो और डायरेक्टली तो कह नहीं सकता कि आप इस तरफ खड़े हो जाएं या करें। वो आपके जो जितनी स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती रही है, जितना प्रेशर है, वो तो आपको पता है कि था कि जस्ट आप इस तरफ से हट जाएं या वो करें, पाकिस्तान नहीं हट सकता। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सी पैक। आपकी देखिए, आपका हमसाया जो होता है ना, वो बहुत एक एक इंपॉर्टेंट है। चाइना आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, ये कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो हमारा और चाइना का जो है ये नेचुरल रिलेशनशिप है। इंडिया जो है वो एक बिल्कुल वो स्पॉइलर अभी वो सोच से नहीं आया, वो हिंदुत्वा एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच, हालांकि उसके अंदर जो अभी आपने मिजोरम में और वो दूसरी स्टेट के दरमियान जो वो उनकी खाना जंगी है, वो के अपने इतने अंदर इतने मसाइल हैं, और ख्वाब वो देख रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान में भी बैठ के अपनी जगह बना लें, हम चाइना को भी हम कंटेन कर लें, और दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो एक स्पॉइलर का रोल अदा करता रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी कि जी अभी आने वाले चंद दिनों में सिचुएशन बेहतर होगी। मुझे तो ये इस तरह से वर्स्ट होती नजर आ रही है। देखिए, ये जो पैसिफिक है ना, इंडो पैसिफिक को अमेरिका तो ये समझता है कि ये मेरी मेरी जागीर है। टेरिटरी है, और शुरू से अगर आप रहा है चाइना की तो ये वो बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहा, उसका ये फोकस है। और इंडिया उसको बहुत इस वक्त जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है और सूट भी करता है। तो ये सारी की सारी पॉलिसी तो हमारे सामने, हम बैठ के जो मर्जी कहते रहे। अफगानिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अगर इंस्टेबल है तो चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम है, चाइना भी इंस्टेबल है, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगा। तो ये जितना कोशिश वो करेंगे कि जी इसके अंदर इंस्टेबिलिटी है। नाउ अगेन, जिस तरह से मंसूर ने बात की कि वहां पे जो जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि कर सकते हैं वहां पे दहशतगर्दी या बाकी चीजें जो कर सकते हैं, उनको कंटेन किया जा सकता है। अगर आपके सारे हमसाया जैसा कि पाकिस्तान है, जिस तरह के चाइना है, जिस तरह के रशिया, ईरान, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अगर ये एक तय कर लें कि वी विल नॉट लेट देम डू एनीथिंग, तो फिर चाहे वो अमेरिका या कुछ अरसे तक तो वो कर सकता है। लेकिन अगर ये मुत्तहिद हो जाए, ये मुल्क वाकई ये फैसला कर लें कि हमने इस खित्ते के अंदर बेहतरी लानी है, तो सिचुएशन को काफी हद तक बेहतर किया किया जा सकता है। वरना सिचुएशन अगर वरना अगर आप ये देखें कि कल को अगर एक मुल्क आज इधर खड़ा हुआ है और कल को फिर उधर चला जाए, तो फिर सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल के बेहतर हो। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं लग रहा। नहीं, इस वक्त तक तो हमें ये लग रहा है कि ईरान और समेत जितने हमसाए हैं वो सब एक ही तरह की पॉलिसी एक पेज पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई मिलिशियाज हमने नहीं देखी कि इन तमाम ममालिक की जो है उन्होंने अपने जिनको ये सपोर्ट करते रहे तारीखी लिहाज से उनको जो है करें। और एक और चीज हम बड़ी अजीब देख रहे हैं कि बदख्शां, खासतौर पर ये जो वाखान का आपने जिक्र किया था, इसको कैप्चर करने वाला जो कमांडर था, ही वाज ताजिक, एथनिकली वो ताजिक है, वो पश्तून नहीं है।
और उसके बाद आज मसलन इंडियन प्रोपेगेंडा ये आ रहा था कि मोहम्मद फुरकान नाम का जो है हाजी फुरकान, उसको चाइना ने कहा हटाओ, हालांकि हाजी फुरकान पता नहीं कौन है, ये खुद तालिबान को नहीं पता क्योंकि वो ETIM जो है उससे ताल्लुक रखता है। यानी कि हद हो गई है प्रोपेगेंडे की भी ब्लैक जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है इंडिया से आते हुए। तो आप क्या समझते हो कि जो इस वक्त हमें कंसेंसस नजर आ रहा है अफगानिस्तान के पांचों हमसायों में और उसके अलावा चाइना, उसके अंदर भी आज हमें साफ इस जब हाथ खोल के वेंगी जो है उनको तालिबान मुल्ला ब्रादर को रिसीव करें, तो इसका मतलब ये कि वो भी समझते हैं कि तालिबान जो है मेन जो है स्टेक होल्डर वो है, जो चाहे तो अमन आ सकता है और तालिबान फिर आज का है कि हम अमन के लिए तैयार हैं। तो एक इरिटेंट है, पता नहीं उस इरिटेंट का नाम लेते हुए लोग क्यों डरे हैं, वो अशरफ गनी और उसकी इंतजामिया है। तो आप क्या समझते हो, क्या ये हमसाये ऐसा प्रेशर डाल सकते हैं कि अशरफ गनी को इस चीज का एहसास हो जाए कि वो जिस अफगान नेशनलिज्म को, जिसे अफगान नाजीज्म भी कहा जा रहा है, लेके आना चाह रहा है, और अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी पश्तून हूँ, आप भी पश्तून हो, और हम चारों बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान से ही हमारी रूट्स है, हमसे ज्यादा अफगानिस्तान से कौन मोहब्बत करेगा। और आज भी आप देख लो कि हमारे पे जो गोलियां चला रहे होते हैं, हम उनको VIP ट्रीटमेंट दे के, उनको खाना खिला के, उनको अच्छे कपड़े दे के कहते हैं कि आप वापस जाएं, हम हमारी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। तो क्या वजह है, हम किस तरीके से अपने अफगान दोस्तों को ये समझा सकते हैं कि आपके मसाइल की असल जड़ जो है वो लोग हैं जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं, हमने तो हमेशा आपको केयर की है। जी कुर्बान जी। हाँ, देखिए इस वक्त जो मेन इशू है वो मीडिया प्रोपेगेंडा है, मीडिया वॉरफेयर है। एक इम्प्रेशन ये डाला जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो इस वक्त एंटी अफगान हो चुके हैं, सिर्फ अफगान गवर्नमेंट की वजह से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अफगानियों के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि अफगान पुरअमन हो, और इस किस्म की एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। चाइना की जो अभी मीटिंग हुई है मुल्ला बहादुर के साथ, मुल्ला बहादुर के साथ, उसमें इंडिया ने जो चीज सिर्फ अखज की है वो ये है कि ईस्टर्न ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के साथ जो उनकी इंसर्जेंसी का जो उनको खदशा है, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कहते हैं कि माजी में 90s में जिस वक्त तालिबान एक ग्रुप अफगानिस्तान पे मुजाहिदीन का ग्रुप रशिया के खिलाफ भी लड़ रहा था और उसके बाद पावर कॉरिडोर में भी था, तो उस पर ग्रुप और ताजिक ग्रुप जो थे वो इनके साथ शामिल थे उस वक्त उन ग्रुप में। लेकिन चूंकि कतर दोहा मौजे के बाद तालिबान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अफगान सरजमीन से किसी दूसरी मुल्क के लिए उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्यों उन्होंने ये बात की, क्योंकि वो जानते हैं कि माजी में उन्होंने 20 साल जो जिस चीज़ से वो लोग गुजरे हैं वो अब आइंदा वो उस चीज़ से गुजरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ से ना कोई इंसर्जेंट आए, ना किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल हो, ना यहाँ किसी और की प्रॉक्सी पले बढ़े, और ना किसी और के लिए सरजमीन इस्तेमाल हो। उसके बाद वो अपना मसला जिस तरीके से भी हल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद हल करें। रिसेंटली जो कतर में दोनों ग्रुप्स बैठे हैं, जो रिकंसलेशन अफगान गवर्नमेंट के रिकंसलेशन ग्रुप है, वो लोग थे, तालिबान ग्रुप था, इनमें अभी तक वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, सिर्फ इस वजह से कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि तालिबान इस वक्त चूंकि फतोहात करते जा रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा मगरूर हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि जनाब अफगान गवर्नमेंट जो है वो नील डाउन हो। मेरा ख्याल है ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा एक लाया जा रहा है। इसी तरीके से जिस वक्त आपने वो बात की ईरान के हवाले से, ईरान की जो फातिमियून ग्रुप था, जो अफगान नेशनल्स जो सीरिया में और इराक में सारे अपने मिशन करते रहे, एक मलेशिया ग्रुप है, वो फातिमियून ग्रुप की कोऑर्डिनेशन हमेशा तालिबान के साथ रही है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि तालिबान बड़े अरसे से ईरान गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उनकी सपोर्ट कर रहे थे, जिस वक्त हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ TTP और ISIS इंसर्जेंसी ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो तालिबान उनकी सपोर्ट में वहाँ पर मौजूद होते थे। ये बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का मालूम नहीं है, लेकिन तालिबान ने फातिमियून के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर अमन कायम रखने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जाहिर होता है कि किस तरीके से इंसर्जेंसी को यहाँ पे हवा दी जाएगी। उसके अलावा आपने किस तरफ इशारा किया था, मैं शायद कहीं आगे पीछे निकल गया। अच्छा, अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो मैं कंक्लूडिंग एक जो है ना वो
इंडियन फॉर्मर हाई कमिश्नर पाकिस्तान के एम के बद्रा कुमार, बहुत काफी बैलेंस किस्म का बंदा है, जहाँ पे लाइन से अटरा होता है आपको आसानी पता चल जाता है। तो उसने एक चीज के ऊपर इशारा किया कि अमेरिकन ने ये बॉम्बिंग स्टार्ट करके एक वाजे पैगाम दिया है कि वो अशरफ गनी के साथ है, और अशरफ गनी ने भी ये कहा है कि हमारी रिलेशन जो है इवॉल्व कर रही है। अच्छा, इस तमाम डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो एक सेकेंड नंबर पे आए एक रिग्ड इलेक्शन के अंदर, उसकी अब वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने तो डिक्लेयर कर दिया वो खड़ा हुआ है साथ उसके। अब जो नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना है विद इन अफगान जो ये एक रिजीम है, वो ये है कि ताजिक्स जो हैं उनके साथ जो है मामलात खराब होंगे, क्योंकि जो अशरफ गनी की हमें एक तबीयत नजर आ रही है एक्सक्यूज मी, उसकी वजह से मामलात अब खराबी की तरफ जाएंगे। तो ये एक नया आएगा, और ताजिक्स को हमने ये देखा है क्योंकि बीआरआई बदख्शां आप देख लें, ताजिक एरियाज के अंदर से बीआरआई की मेजॉरिटी जो फायदा उठा रही है वो होगी ताजिक बरादरी होगी हमारी, तो उस वजह से हम एक ताजिक्स का भी इस दफा स्टैंड डिफरेंट देख रहे हैं। अफगान नाजिस वो नफरत नहीं देख रहे जो हमें पहले नजर आती थी। तो मामलात जिस तेजी से जा रहे हैं तो लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, किर्गिजिस्तान और जितने जो उज़्बेकिस्तान वगैरह वही प्रिवेल करेंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी हम आपके साथ नए तजिए जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने का तरीका ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें अपनी फीडबैक दें ताकि हम बेहतरी ला सकें, और इसके अलावा आप इसको आगे शेयर करें ताकि ये जो एक जो आइडियाज हैं वो आगे तक जाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे और अयाज को, मंसूर को और नईम कुर्बान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।